त्यागी, करते हैं बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। संसद के दोनों सदन में बजट पर चर्चा जारी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बजट को बताया समावेशी। कहा कांग्रेस काल में आमदनी और लीकेज का गहरा रिश्ता रहा। बहस के बाद लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी जवाब। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत की ओर यात्रा को किया संबोधित। कहा भारत जल्द ही बनेगा विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ईज ऑफ लिविंग पर फोकस। केरल के वायनाड में भूस्खलन से भारी तबाही। मरने वालों का आंकड़ा 60 के पार। 126 लोग घायल, कई लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के सीएम से किया हर संभव मदद का वादा। रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख से की बात। मौके पर पहुंची सेना की टुकड़ी। देश में मॉनसून सक्रिय। देश के अलग अलग हिस्सों में जमकर हो रही है बारिश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही। केरल में भारी बारिश का रेड अलर्ट। गुजरात और राजस्थान में भी भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज पारित होगा अवैध धर्मांतरण से जुड़ा अहम संशोधन विधेयक। बिल में अपराध का दायरा और सजा दोनों बढ़ाने का प्रस्ताव। धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग करने पर होगी सजा। दिल्ली कोचिंग हादसे में मौत से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट में कल होगी सुनवाई। याचिका में हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग। हादसे के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन जारी। भाजपा ने राजघाट के समीप दिया मौन धरना। और पेरिस ओलंपिक में भारत के खाते में एक और पदक। मनु भाकर सरबजोत सिंह की जोड़ी ने देश को दिलाया कांस्य। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतकर रचा मनु ने इतिहास। और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में आज भी वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट पर चर्चा जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पर चर्चा का जवाब देंगी। वित्त मंत्री ने 23 जुलाई को बजट पेश किया था। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में प्राकृतिक आपदा को सभी के लिए एक गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को साल के शुरुआत में ही फंड दे दिया जाता है। एनी नेचुरल कैलामिटी इज अ सीरियस कंसर्न फॉर एवरीवन एंड एज द ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस हैज ऑलरेडी मेंशन आई जस्ट वांट टू मेक अ स्मॉल क्लेरिफिकेशन बिकॉज टू ऑफ द ऑनरेबल मेंबर्स have said that central government has not released fund. Chidambaram ji is here, he was the home minister. I handled this ministry for 5 years. Funds are always placed in advance in the beginning of the year with the state government, which is the resources pulled together by the state government and central government under SDRF. किरण रिजिजू ने राज्यसभा में बताया कि राहत एवं बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है, जिसमें NDRF, SDRF और अन्य एजेंसियों की मदद ली जा रही है। NDRF, the SDRF, the Disaster Response Force, the Central Armed Police Forces, the Indian Military Forces, they are already been activated and already on the job, working on the ground, and they are already there. And to connect with them, Indian Air Force has been activated. Now the issue is about immediate relief and rescue. Yes. This is the most immediate requirement in any kind of any natural calamities, wherever it occurs. Government is doing everything, whatever is to be done with the coordination with the state government. But I will ask the Home Ministry to come out with a detailed report if the House wants as soon as possible. लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में नई सूक्ष्म सिंचाई परियोजना शुरू की गई है। इसके तहत 70 लाख हेक्टेयर नई जमीन लाई गई है, जिससे सिंचाई की अधिकतम व्यवस्था हो सके, साथ ही किसान की लागत भी कम हो सके। इसके अलावा उन्होंने बताया कि रिवर लिंकिंग परियोजना पर भी काम किया जा रहा है। वहीं किसानों को सब्सिडी देने पर भी विचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत 70 लाख हेक्टर नई जमीन इस योजना के अंतर्गत लाई गई है,
ताकि कम पानी में ड्रिप और स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई की अधिकतम व्यवस्था हो सके और किसान की लागत भी कम की जा सके। और इसके अलावा भी मुझे कहते हुए गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो रिवर लिंकेज जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और प्राकृतिक खेती करने वाले किसान को सब्सिडी देने के प्रावधान पर भी गंभीरता पूर्वक विचार हो रहा है, जिससे लागत भी घट सके और सुरक्षित उत्पाद हमें मिल सके। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कांग्रेस किसानों के हित की बात करती है, एमएसपी पर गारंटी की बात करती है, उसका हाल हाथी के दांत के जैसा है, जो खाने के लिए कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और। सन 2006 में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट में एमएसपी को बढ़ाने की बात की गई थी, जिसमें तत्कालीन सरकार जिसके कृषि मंत्री कांतिलाल भूरिया थे, उन्होंने इस रिपोर्ट को लागू करने से इनकार कर दिया था। हम यूपीए सरकार से दोगुनी राशि किसानों से अनाज खरीद के लिए दे रहे हैं। किसान कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, पूरी तरह से प्रतिबद्ध। और जहां तक आप बात कर रहे हैं किसान के कल्याण की, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। आपके समय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके समय स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी 2006 में, और उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि किसानों की लागत में 50% लाभ जोड़कर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया जाए, इनकी सरकार ने इनकार कर दिया था। लोकसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित सवाल किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर से सांसद कल्याण बनर्जी ने मनरेगा को लेकर सवाल किया, साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि मनरेगा मजदूरों को 100 दिन का काम नहीं मिल रहा है। इस पर शिवराज सिंह चौहान ने जवाब देते हुए बताया कि मनरेगा श्रमिक जितने दिनों की मजदूरी मांगते हैं उतने दिन का रोजगार मिलता है। एक परिवार को 100 दिन का रोजगार अगर वो मांगते हैं तो, और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, कई परिवार ऐसे जो 50 दिन का रोजगार मांगते हैं, कोई 60 दिन का रोजगार मांगते हैं, लेकिन जितने दिन का वो रोजगार मांगते हैं उतना रोजगार दिया जाता है। वहीं पश्चिम बंगाल में मनरेगा मजदूरों को 100 दिन का काम नहीं दिए जाने के सवाल पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस योजना का कोई दुरुपयोग और अनियमितता कर रहा है, फंड को डाइवर्ट कर रहा है, तो हम जनता के पैसे को खाने नहीं देंगे, वैसे हम लोगों पर जरूर कार्रवाई करेंगे। पश्चिम बंगाल ने योजनाओं का नाम बदला है, वहां की सरकार आरोपियों अधिकारियों को बचा रही है। अगर इस योजना का कोई दुरुपयोग कर रहा है, अनियमितता कर रहा है, गाइडलाइन के बाहर जाके काम कर रहा है, फंड को डाइवर्ट कर रहा है, योजना का नाम बदल रहा है, तो ऐसे मामले में हम जनता के पैसे को खाने नहीं देंगे, उस पर जरूर हम कार्रवाई करेंगे। और पश्चिम बंगाल ने यह किया है, कई अनियमितताएं पश्चिम बंगाल ने की, फंड डाइवर्ट किया गया, योजनाओं का नाम बदला गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, FIR वहां हुई है, और ये सरकार ऐसे अधिकारियों को बचाने का काम कर रही है जिन्हें फंड डाइवर्ट किए, इसलिए पैसा रोका गया है। भारत ने पेरिस ओलंपिक में दूसरा पदक जीत लिया है। मंगलवार को 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर मनु भाकर ने कांस्य जीता है। भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक के मुकाबले में दक्षिण कोरियाई जोड़ी को 16-10 से हराया। भारत ने कुल मिलाकर 8 राउंड जीते, जबकि कोरिया ने 5 राउंड में जीत हासिल की। इसी के साथ मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है, वो एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। साल 1900 में नॉर्मन प्रिचर्ड ने दो पदक जीते थे, लेकिन वो मूलतः ब्रिटिश थे। मनु से पहले किसी और भारतीय एथलीट ने एक ओलंपिक में दो पदक नहीं जीते थे। वहीं सरबजोत का ये पहला ओलंपिक मेडल है। मनु दो ओलंपिक पदक जीतने वाली पीवी सिंधु के बाद दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, जबकि मनु दो ओलंपिक पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय खिलाड़ी हैं। मनु से पहले पीवी सिंधु और सुशील कुमार ने दो ओलंपिक पदक जीते थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनु भाकर और सरबजोत सिंह को ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा,
निशानेबाजी में मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने पर मनु भाकर और सरबजोत सिंह को बधाई। मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है, वे एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज बन गई हैं। उन्होंने हमें बेहद गौरवान्वित किया है, मैं उन्हें और सरबजोत सिंह को भविष्य में और भी कई उपलब्धियां हासिल करने की शुभकामनाएं देती हूं। और पीएम ने मनु भाकर की सफलता पर बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, हमारे निशानेबाज हमें लगातार गौरवान्वित कर रहे हैं। मनु भाकर और सरबजोत सिंह को ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में कांस्य पदक जीतने पर बधाई। दोनों ने शानदार कौशल और टीमवर्क दिखाया है। भारत में अविश्वसनीय रूप से खुशी का माहौल है। मनु के लिए ये उनका लगातार दूसरा ओलंपिक पदक है जो उनके निरंतर उत्कृष्टता और समर्पण को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पेरिस ओलंपिक में दूसरा पदक जीतने के लिए मनु भाकर पर गर्व है। वे ओलंपिक खेलों के एक ही संस्करण में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। उनकी अविश्वसनीय प्रतिभा, कड़ी मेहनत और समर्पण ने हमें गौरवान्वित किया है। आने वाले वर्षों में उनके और अधिक गौरव और सफलता की कामना करता हूं। पेरिस ओलंपिक में निशानेबाज मनु भाकर के दूसरे कांस्य पदक जीतने पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मनु भाकर को बधाई दी है। खेल मंत्री ने एक्स पर मनु को बधाई देते हुए लिखा, आपने ओलंपिक खेलों के एक ही संस्करण में दो पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। आप हमारे देश का गौरव हैं, बधाई हो मनु भाकर। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए टीडी न्यूज। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MBH का चंकी चाट मसाला डालें। MBH का चंकी चाट मसाला। MBH क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल, ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन, मिशन है तो जीत पक्की। अगले महीने 2 से 7 अगस्त तक राजधानी दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। सम्मेलन में स्थायी कृषि खाद्य प्रणाली की ओर परिवर्तन विषय पर तमाम कृषि वैज्ञानिकों के बीच चर्चा परिचर्चा होगी। ICAR और NIAP के सहयोग से आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में 75 देशों के 740 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सम्मेलन से पहले आज प्रेस को संबोधित करते हुए नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद ने कहा कि सम्मेलन में फूड सिस्टम अप्रोच से लेकर सतत कृषि प्रणाली तक के तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। पिछले कुछ सालों से जो एग्रीकल्चर की इकोनॉमिक रिसर्च है वो कमोडिटी से हटकर, एक सेगमेंट से हटकर एक होलिस्टिक अप्रोच उसमें आया है, जिसमें थोड़ा उसको हम नाम भी दे रहे हैं फूड सिस्टम अप्रोच। तो पहले हम क्रॉप्स पे रिसर्च करते थे, फिर क्रॉप सिस्टम आया, फिर फार्मिंग सिस्टम आया, और अब फूड सिस्टम एक कॉन्सेप्ट आया है जो सीड से लेकर एंड यूज तक पूरे के पूरे जो वैल्यू चेन है उसको कवर करता है। तो एक इसका मेन फोकस इस कॉन्फ्रेंस का फूड सिस्टम अप्रोच पे होगा, और दूसरा हम सस्टेनेबल फूड सिस्टम की ओर फोकस करके उसके लिए क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए। तो आप देखोगे कि बहुत से पेपर जो इस कॉन्फ्रेंस में हैं वो इसी थीम पर फोकस्ड है, सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम। और सीधे लोकसभा ले चलते हैं जहां पर अनुराग ठाकुर अपना संबोधन दे रहे हैं। कंधे पर सवार होकर सैर करता है, जैसे मदारी के कंधे पर बंदर होता है, वैसे राहुल जी के कंधे पर बंदर होता है। जैसे मदारी के कंधे पर बंदर होता है, वैसे राहुल जी के कंधे पर झूठ का बंडल होता है, जिसे वो रोज यहाँ पसंद परोसते हैं। ये बजट पर सदन पर माननीय सभापति जी, जिस
जिस व्यक्ति को बजट निर्माण की प्रक्रिया का पता ना हो, संसदीय कार्य में रुचि ना हो, मात्र अध्यादेश को फाड़ने का काम किया हो, उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है? मैं पूछना चाहता हूँ, हलवा किसको मिला? मैं पूछता हूँ, हलवा किसको मिला? राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी, जीभ घोटाले का हलवा किसने खाया? वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया? अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया? नेशनल हेराल्ड के घोटाले का हलवा किसने खाया? सबमरीन घोटाले का हलवा किसने खाया? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया? टूजी स्कैम हलवा किसने खाया? कॉमनवेल्थ स्कैम का हलवा किसने खाया? कोयला घोटाले का हलवा किसने खाया? वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया? चारा घोटाले का हलवा किसने खाया? यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया? राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? माननीय सभापति जी, कुछ लोग ओबीसी की बात करते हैं, मैं ये कहता हूँ इनके लिए ओबीसी है। गौरव सुनिए, गौरव बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप कैंडी एड्रेस तो देखिए माननीय सर, इनके लिए ओबीसी का मतलब है ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन, ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन, और ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन के लिए काम करने वाली पार्टी अदर बैकवर्ड कास्ट की बात करती है तो आर्नी को भी पंखे के साथ लटकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मतलब जिस पार्टी ने अपने पार्टी के अध्यक्ष जो एक पिछड़े वंचित समाज से आते थे उनको धोती से खींचकर पार्टी से बाहर निकाल दिया हो, उसके शहजादे हमें ज्ञान पांडे। अरे साहब, इनको पहले तो एलओपी का मतलब समझना पड़ेगा। ये लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। इसका मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, जवाब आपका दे रहा हूँ। माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी, सुनिए, माननीय गौरव जी, आप या माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि माननीय राहुल जी एलओपी, उन्होंने भी बात कही सरकार पे या सरकार के मंत्रियों के लिए नाम लिया, तो उसका जवाब अगर वो दे रहे हैं, अनपार्लियामेंट्री वर्ड जो होगा इसको मैं स्पंज करता हूं, मैं अनपार्लियामेंट्री, मैं उन्होंने झूठ कहा था, मैंने उसको स्पंज कर दिया, झूठ कहा था उन्होंने, मैंने स्पंज कर दिया। अनुराग ठाकुर जी, सर, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, आप देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब झूठ परोसना बंद कर दें, क्योंकि एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। अब ससंदी है, ठीक है, असत्य निराधार, जी सर, जी उसके ठीक है, निराधार है सर। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। माननीय सभापति जी, आप बैठ जाए। माननीय अखिलेश जी, आपने जो बात उठाई है मैं उसको दिखवा लूँगा, मैं आपकी बात को ले रहा हूँ, मैं उन्होंने जो बात कही है, आप जो विरोध कर रहे हैं मैं उसको दिखवा लूँगा, आपने जो बात कही उसको मैं दिखवा लूँगा। माननीय सभापति जी, कृपया आप लोग बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। गौरव जी, माननीय
आरक्षण देने का विरोध किया था। एक मिनट माननीय मंत्री जी, एक मिनट, लीडर ऑफ अपोजिशन बोलना चाहते हैं, आप लोग बैठ जाएं। माननीय मंत्री जी की स्पीच, माननीय अनुराग जी की स्पीच खत्म हो जाए। बैठे बैठे आप लोग बैठ जाएं। मैं आप सर, उन्होंने मुझे इंसल्ट किया, मुझे बोलने दीजिए, उनकी बात खत्म हो जाए। उन्होंने इंसल्ट किया मुझे, उसके बाद मैं आपको अवसर दूंगा। नहीं सर, नहीं, उनके बाद अवसर दूंगा, आपको अवसर दूंगा, बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, अवसर दूंगा, उनकी उनकी स्पीच खत्म हो जाए, प्लीज आप बैठ, आप बैठ जाओ। अनुराग जी, कल किस चीज का इंसल्ट कर रहे थे? आपको अवसर दूंगा, आपको अवसर दूंगा। अजय एक मिनट बैठ जाए, एक मिनट बैठ जा, अब बैठ जा सर, एक मैं क्लैरिटी कर दूँ सर। मैंने कहा एक मिनट बैठ जाए आप, मैंने एक मिनट बैठ जाए आप, सब लोग बैठ जाए, आप सब लोग बैठिए, आप सब लोग बैठिए। चल अब लीडर ऑफ अपोजिशन को मैं बुला रहा हूँ अब, ये पर इज इट फेयर इफ आई एम अलाउंड टू योर लीडर ऑफ अपोजिशन, इज इट फेयर? मैं फिर उनको बुला लूँगा। नहीं तो मैं आपको बुला रहा हूँ तो पहले बैठ जाए, पहले लोग बैठ जाए, पहले बैठाइए सर, सब लोग बैठ जाए, पहले सब लोग बैठ जाए तब मैं आपको अलाउ करूँगा। सब बैठ जाए, मैं आपको अलाउ करूँगा, मैं आपको अलाउ करूँगा, सब बैठ जाए, मैं अलाउ करूँगा। आप मेरी बात सुन नहीं पा रहे? मैं आपको अलाउ करूँगा, पहले सब बैठ जाए, हाउस इन ऑर्डर होगा। गौरव जी आप भी बैठ जाए, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन को अलाउ कर दे रहा हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें इंसल्ट किया गया, मैं बिल्कुल आपको अलाउ कर रहा हूँ। सर दीजिए सर, बोलने दीजिए सर, मैं आपको बोलने दीजिए सर, ऐसा सर बोलने दीजिए सर। मैं आपका नाम तो लूँ, राहुल गांधी जी। स्पीकर सर, देखिए जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। करिए, अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। आप चुप रहे श्री अनुराग ठाकुर जी, हमने समय दे दिया, अब आप बैठे, ये तरीका नहीं है, नहीं ये तरीका है, आपको हमने टाइम दे दिया, आप बैठ चुके हैं, आप बैठ चुके हैं, ये नहीं है, आप बैठ चुके। श्री अनुराग ठाकुर सर, मुझे लगता था कि इनको कहीं कि इनको भाषण देने से पहले पर्ची आती होगी, हमने आप, लेकिन हर बार इंटरवेंशन के लिए पर्ची आती है अपने बलबूते पर। सर उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। आप बोल के हटते हो फिर पर्ची आती, फिर बोलते हो, ऐसे कैसे चलता है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, एक मिनट, आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर। बिठा के आपको बिठाया, बुलाए, अब मैं नहीं करूँगा। मैंने आपको अनुराग ठाकुर जी को बिठा के आपको मैंने समय दिया, तो अब अनुराग ठाकुर जी बोलेंगे। सर मैं इतना ही कहूँगा, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। आजकल कुछ लोगों पर जातिगत जनगणना का भूत सवार है सर, लेकिन मैं इतना कहूँगा सर, सर मैंने क्या कहा था सर, सर सर सर, माननीय सभापति जी मैं गंभीर बात कर रहा हूँ, ये नहीं सुन रहे हैं। मैंने कहा था जिस ठाकुर माननीय सभापति जी, आई हैव ऑलरेडी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी अपनी ही है, उन्होंने ही हैज एक्सप्रेस हिज फीलिंग जो उनको था। नहीं नहीं आप दल से बाहर आ जाए, कृपया आप दल से आ जाए, फिर मैं उनको फिर समय दे दूंगा। अनुराग जी सर, सर मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है, मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था, नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए? सर मैं कहना चाहता हूँ माननीय सभापति जी, अगर आप देखेंगे मैंने अनुराग जी को बिठा के मैंने माननीय राहुल गांधी को समय दिया, मैंने अनुराग ठाकुर जी को बिठा के, तो कृपया आप लोग जब एलओपी को टाइम मिल गया, एलओपी को टाइम मिल गया तो आप सदन में व्यवधान, अब फिर बोलना चाहते हैं आप, खड़े हो जाइए, आप फिर बोलना चाहते हैं, खड़े हो जाइए, चलिए खड़े हो, आप
लोग जाए बिल से बाहर। एलओपी एलओपी प्लीज एलओपी आई एम गिविंग तो बिल से तो जाइए सर। स्पीकर सर अगर मैं आपके एलओपी को टाइम दे रहा हूं तो आप बेल खाली कर दीजिए। इतनी बरसा बरसा पूरा देश इतनी अच्छा बजट पे स्पीच दे रहा है। यू हैव ऑलरेडी स्पोकन राहुल ने कह दिया अभी हम अब आप अपने लीडर का सम्मान करें। हमने आपके लीडर को दूसरी बार फिर बुला रहा हूं। आप अपने लीडर का सम्मान करें। हाउस के एलओपी हैं और अगर मैं उनको दूसरी बार बुला रहा हूं उनको बिठा दिया माननीय सदस्य को तो कृपया आप लोग तो कम से कम इस बात को महसूस करें। मिस्टर केसरी मिस्टर राहुल गांधी मिस्टर राहुल गांधी आप लोग राहुल स्पीकर सर बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर इस सर माइक नहीं सर माइक यहाँ से नहीं जाती स्पीकर सर मैं नाम ले तो माइक आ जाएगा। स्पीकर सर जो भी इस देश में दलितों की आदिवासियों की पिछड़ों की बात उठाता है जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद गौरव धन्यवाद श्री अनुराग ठाकुर जी गौरव 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 जी नहीं गौरव जी आप देखिए गौरव जी आप तो हमें समय दीजिए खत्म हो जाएगा सर। श्री राहुल गांधी खत्म हो जाएगा सर। श्री राहुल गांधी राहुल गांधी जी ये तय कर ली मुझे जब जब आप चाह रहे हैं मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूं। हाँ सर तो कम से कम गौरव जी आपके बोलने के बाद ऐसी परिस्थिति न क्रिएट करें कि सदन स्पीकर सर सदन को चलाने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है उतनी प्रतिपक्ष की है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे गाली मुझ पर गाली दी है नहीं कोई मुझे और अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं मिर्ची धनिया हल्दी MDH बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। आगे बढ़ेंगे खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट पर CII के एक सम्मेलन को संबोधित किया। विकसित भारत की ओर यात्रा के नाम से आयोजित सम्मेलन का उद्देश्य विकास के लिए सरकार के व्यापक दृष्टिकोण और इस प्रयास में उद्योग की भूमिका की रूपरेखा को प्रस्तुत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट में घोषित PM पैकेज का जिक्र किया और कहा कि इससे 4 करोड़ युवाओं को फायदा मिलेगा। इस बजट में भी जिस 2 लाख करोड़ रुपए के PM पैकेज की घोषणा हुई है चारों तरफ उसकी वाहवाही हो रही है खूब प्रशंसा हो रही है। इसका सीधा लाभ 4 करोड़ से अधिक युवाओं को मिलने का। ये PM पैकेज होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव है। ये टुकड़ों में नहीं है ये इंटरलिंक है एंड टू एंड एक सॉल्यूशन है। इसका विजन स्पष्ट है भारत की मैन पावर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो भारत का प्रोडक्ट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो और सिर्फ क्वालिटी नहीं
बल्कि वैल्यू की दृष्टि से भी वो कॉम्पिटिटिव हो, हमारे युवाओं की स्किल बढ़े, उनका एक्सपोजर बढ़े, उन्हें आसानी से रोजगार मिले, इसके लिए हम इंटर्नशिप स्कीम लेकर आए हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने वाले आप जैसे जो लोग हैं उनको लार्ज स्केल पर इंसेंटिव मिले, इसका भी हमने ध्यान रखा है। इसलिए ही सरकार ने ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन में इंसेंटिव की घोषणा की है। साथियों, हमारी सरकार का इंटेंट और कमिटमेंट एकदम साफ है, हमारे डायरेक्शन में कोई डायवर्जन नहीं है। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार का धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ा कदम, ये जो न्यूज़ अभी अभी आ रही है, यूपी विधानसभा में धर्म परिवर्तन संशोधन विधेयक पास हो गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार का ये बड़ा कदम, यूपी विधानसभा में धर्म परिवर्तन संशोधन विधेयक पास हो गया है। हमारे संवाददाता रामेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। रामेंद्र, किस तरह से इसे एक काफ़ी बड़ा कदम कहा जा सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश को रमा अगर देखिए तो उत्तर प्रदेश में दलित आबादी ठीक ठाक है और दलितों के साथ भी धर्म कौशल का बड़ा मामला सामने आ रहा था। कई मिशनरी सामने जा रही थी, जब यहाँ तमाम घटनाएं बड़ी सामने आ रही थी। तौकीर रजा तो पीएम से अनुमति लेकर के धर्म परिवर्तन में शादी भी आकर आने की बात कर रहे थे। तो अगर इन सबको रोकना है तो जो पिछले कानून थे, अलग पिछले 2020-21 में भी कानून बनाया गया था, लेकिन वो कानून में इतनी सख्ती नहीं थी जो इस कानून में है। ये जो कानून विधानसभा में पास हुआ है, ये अभी विधान परिषद में जाएगा, उसके बाद गवर्नर के यहाँ जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति की सिग्नेचर के बाद एक कानून बनेगा। क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकारें ऐसे कानून जो धर्म परिवर्तन से जुड़े हुए हैं वो स्वयं बनाए, एग्जीक्यूट करें। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जो धर्म परिवर्तन कानून है विधानसभा में पास कर दिया है। योगी जी की बड़ी सीधी सी मनता है कि किसी को कोई परेशान न करे, लालच लाभ दे करके छोटी बच्चियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, लाभ देने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो फंडिंग है विदेशों से हो रही उसका उपयोग किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश में रुक जाएंगी, क्योंकि योगी सरकार के बारे में राय है कि जो कहते हैं वो करते हैं, उससे पीछे नहीं हटते। इसलिए मान के चलना चाहिए कि जल्दी ही ये कानून के रूप में सबके सामने होगा, उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन रुकेगा। जय बिल्कुल। आपसे रामेंद्र ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ नए प्रावधान इस संशोधन विधेयक में? देखिए, ये संशोधन विधेयक में जो मुख्य प्रावधान है उसमें एक तो सजा बढ़ाई गई है कि आप अगर किसी लड़के को करते हो, छोटे बच्चों को करते हो, लालच देते हो, तो जितनी भी सजाएं थी वो बढ़ा दी गई। और सबसे बड़ा प्रावधान ये है कि आपको उम्र कैद तक की सजा मिल सकती है, उस पर भी जुर्माना है, जुर्माने के साथ आपको उम्र कैद की सजा मिल सकती है। पहले ये नहीं था, पहले 10 साल तक की सजा थी, अब 20 साल तक की सजा है या उम्र कैद है। तो वो कड़े किए गए हैं, प्रावधान कड़े किए गए हैं कि किसी भी प्रकार से धर्म परिवर्तन रुके, क्योंकि लगातार सरकार के पास जो इनपुट जा रहा था वो ये जा रहा था कि गुमराह किया जा रहा, कभी शादी का लालच दिया जा रहा और महिलाओं पर, खासकर जो हिंदू धर्म की महिलाएं, उन पर फोकस किया जा रहा था एक वर्ग विशेष द्वारा, उनको शादी का लालच दिया जाता, बाद में धर्म परिवर्तन करा के कई बार तो छोड़ दिया जाता था, ऐसी भी स्थितियां दिख रही। तो वो रुकना चाहिए और ये लोगों के मन में भय पैदा होना चाहिए कि अगर हम करेंगे तो सरकार हमको छोड़ेगी नहीं। तो इस कानून में इस तरीके से कठोरता की गई है। रमा बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो सजा के प्रावधान है वो भी कड़े किए गए हैं इसमें? बिल्कुल, सजा के प्रावधान कड़े किए गए। जहाँ 3 से 7 साल की सजा थी वहाँ 3 से 10 साल की सजा हो गई, जहाँ 10 साल तक की सजा थी वहाँ 20 साल तक की सजा हो गई। और अगर आप विदेशी फंडिंग का उपयोग, पहले कुछ कानूनों में स्थिरता थी कि विदेशी फंडिंग की जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए गए थे, जो विदेशों से फंड आ रहा उसको यूज करके और जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था तो वो भी इसमें आ गया है, और जो बच्चियों को गुमराह करके किया जा रहा था उसमें भी आ गया है। जो दलित और SC ST की बच्चे बच्चियां हैं, अगर उनको नाबालिग रूप से गुमराह करते हो तो आपको 100% उम्र कैद की सजा होगी। तो इस तरीके से प्रावधान बहुत कड़े किए गए हैं। सरकार ने पहले ये देखा है कि कहाँ कहाँ धर्म परिवर्तन का प्रभाव है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं
कौन सी ऐसी जातियां हैं जो जिनको चुना जा रहा था और परिवर्तन के लिए, तो उस पर फोकस करके उसी तरीके से उन्होंने जो कानून बनाया है उसमें प्रावधान किया है। जाहिर इस प्रावधान के बाद उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां बदलेंगी और जो धर्म परिवर्तन की घटनाएं हैं वो रुकेंगी और लोगों को सहूलियत होगी थोड़ा सा जीवन जीने में। बिल्कुल, सजा के जो प्रावधान है वो कड़े किए गए हैं और इसके साथ ही रामेंद्र जो अपराध का दायरा है उसको भी बढ़ाया गया है। बिल्कुल, अपराध के दायरे को बढ़ाया गया, कई चीजें बढ़ा दी गई हैं कि जो पहले जिन अपराधों को नहीं जोड़ा गया था इस धर्म परिवर्तन जो विधेयक था उसको भी जोड़ा गया है कि ना जो फंड, जैसे विदेशों से बात कर रहे थे, जो विदेशों का फंड आ रहा वो इन्वॉल्व होता है तमाम बार उसमें। हालांकि मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं उन्होंने इस पर कहा है कि ये तो डराने की बात है, लेकिन ऐसा नहीं केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, इसमें ईसाइयत भी तमाम ऐसे मिशनरीज हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। आप जहां मोहनलालगंज लखनऊ से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, आप किसी भी तरफ जाइए तो दलितों की बड़ी आबादी जिसको तंत्रबंध के द्वारा प्रभावित करते हैं, फंड के द्वारा प्रभावित करते हैं, तो वो सारी गतिविधियां रुकेंगी, केवल एक धर्म के लिए नहीं है। स्वेच्छा से कोई धर्म अगर अपनाना चाहे तो 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को नोटिस एप्लीकेशन देगा और उस पर उनको अनुमति दी जाएगी। तो थोड़ा सा ये कड़ा हो गया कि ऐसे ही नहीं कि जिसको चाहो धर्म आपने बदल लिया, जब चाहे धर्म बदल लिया, तो उसमें भी अंकुश लगेगा। और जो दूसरी धर्म है जो धर्म परिवर्तन के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, जो धर्म परिवर्तन करके डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए भी थोड़ी सी दिक्कतें होगी कि शायद धर्म परिवर्तन न करा सके। रमा, बिल्कुल, गुमराह करके शादी करना हो या SC ST का भी जिस तरह से धर्म परिवर्तन किया जाता है बहुत सारा लालच देकर या धमकाकर या जिस तरह के मामले सामने आए हैं उन पर जो अंकुश लगाना है वो बड़ा उद्देश्य रहा रामेंद्र इसका। देखिए, सरकार लगातार इस पर देख रही, सरकार 7 साल के योगी सरकार के शासन को देखिए तो लगातार इस पर देख रही। उन्होंने सबसे पहला जो कदम उठाया था वही उठाया था कि जो सौदे लड़कियों को परेशान करते हैं वो न हो, सड़क पर जो इस तरीके की स्थितियां होती और यहीं से चीजें शुरू होती हैं। आप देखिए कि एक पूरा वर्ग है जो सड़क पर बैठा रहता था, निछल नहीं करता, निकम्मे पर नहीं करता था और लड़कियों को खोचा खाची करता था, और उसके बाद फिर ये चीजें वहां तक जाती थी कि शादी के लिए कभी तो मजबूर किया जाता था। कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि लड़कियां एक बार उनके संपर्क में जाती थी निकलने के रास्ते बंद हो जाते, उनके वीडियोज बना लिए जाते, उनको धर्म परिवर्तन कराया जाता, उनका ब्रेन वॉश करा दिया जाता। कई बार तो जो धार्मिक नेता है उन धार्मिक जो मौलवी है उन लोगों से भी ब्रेन वॉश कराया जाता कि आपको तो जन्नत मिल जाएगी, जैसे आप धर्म परिवर्तन करेंगे तो सारी चीजें बदल जाएंगी। इस तरीके से जो ब्रेन वॉश करा करके कराया जाता था शायद उस पर विराम लगेगा। अब धर्म परिवर्तन कराना आसान नहीं होगा, क्योंकि धर्म परिवर्तन कराने से पहले जब आप किसी मजिस्ट्रेट को आप जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेंट होंगे, तो हो सकता है कि आपके परिवार से भी पूछे, उसको भी नोटिस जारी हो कि 2 महीने का समय है। तो ऐसे परिस्थितियों में धर्म परिवर्तन एक दिक्कत वाली बात हो जाएगी। जिन लोगों को लगता था इजी वे में धर्म परिवर्तन करा लेते थे वो नहीं हो पाएगा, ये कठोर कदम इस प्रावधान में उठाए गए हैं। रमा, बिल्कुल, ये जो पूरा प्रोसेस होता था ये अपने आप में काफी जटिल था रामेंद्र, और इसमें जब हम ये भी देखते थे कि बहुत सारे केसेस इस तरह से आते थे कि विदेशों से जो धर्म परिवर्तन होता था उसकी फंडिंग होती थी और वो इसमें काफी अहम भूमिका निभाती थी, अब उस फंडिंग पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। ठीक है, उस फंडिंग पर अंकुश लगाया जाए तो आप हमारे आसपास जो चीजें हैं, मोहनलालगंज में घटना प्रकाश में आई, एक लड़की नमाज पढ़ रही थी घर में, हिंदू लड़की थी, तो उनके जो घर के लोग थे उन्होंने पूछा कि भाई नमाज क्यों पढ़ी जा रही, जब उनको चेक किया गया तो पता लगा किसी मुस्लिम लड़के के संपर्क में है, और स्थिति यह है कि बच्ची को जब रोका गया तो वो उस लड़के के साथ भाग गई और बहराइच जाने वाले ट्रेन से रवाना हो गई। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की और उन दोनों बच्चों को जिनके साथ भाग रही थी उनको उतारा गया, तो पता लगा कि उसके वीडियोज बनाए गए, उसका ब्रेन वॉश किया गया है और उसके पास सारे विकल्प बंद हो गए, तो वो मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर थी। तो ऐसी तमाम घटनाएं हैं जिन पर रोक लगेगी, और सरकार ने यूं ही कदम नहीं उठाया है, 2020-21 में भी उसने शुरू किया था लेकिन कुछ चीजें रह गई थी। जो स्टेप बाई स्टेप सरकार देख रही है उत्तर प्रदेश में जो हालात बने थे, जो पिछली सरकारें थी जिन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिनको लगता था ये वोट बैंक है इससे कोई हमको काम तनाव लेने की जरूरत है, इनको करने दीजिए जो है, तो दो ये 7 साल में योगी सरकार ने वो कदम उठाए, उनको चिन्हित किया, एक एक चीजों की जानकारी ली, इनपुट लिया, प्रशासनिक अधिकारियों से भी, सामाजिक लोगों से भी बात की गई सारी सोच पर, उसके बाद इस प्रावधान तैयार किया गया है। तो उम्मीद करिए कि ये कानून लागू होने के बाद शायद धर्म परिवर्तन की जो घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश में तो रुकेंगी ही। रमा, बिल्कुल, कई तरह के ऐसे मामले हैं जिन पर अब लगता है कि अंकुश जो है लगाया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया रामेंद्र तमाम जानकारी के लिए,
आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो एमडीएच का चंकी चाट।